अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सिकंदर अली। थोड़ी बहुत कोरोना के हवाले से बात कर लेते हैं। अल्लाह हम सबको इसके महफूज के शर से महफूज रखे। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल एट होम। क्वारंटीन आप सबका बहुत अच्छा गुजर रहा है। आपके सब अहल आयाल आप सब बहुत अच्छे सेहत में हो। एंडोक्रिनोलॉजी का लेक्चर शुरू करने से पहले एक दो बातें कर लेते हैं कि दिस मॉड्यूल विल बी रिलेटिवली टफर वन। उसकी वजह ये है कि शायद हम बहुत अच्छे तरीके से अपना मैसेज अपना लेक्चर कन्वे ना कर पाएँ। एंड द सेम गोज़ विथ यू कि आई डोंट नो कि कितना आप लोग उसको पिक कर पाओगे, बट आई होप कि इट विल बी टफ वन। के साथ साथ इसको आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। मैंने पिम्स कॉलेज से पहले टीचिंग शुरू की। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके बावजूद अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आए, मोस्ट वेलकम टू आस्क इन एनी फॉर्मेट। किसी भी चीज़ की कुछ भी समझ ना आए, सो आई एम अवेलेबल, आप उसके हवाले से पूछ सकते हो। कमिंग टू एंडोक्रिनोलॉजी, सो एंडोक्रिनोलॉजी शुरू करते हैं। एंडोक्रिनोलॉजी इज योर फिफ्थ मॉड्यूल, और फिफ्थ मॉड्यूल के अंदर हम एंडोक्रिनोलॉजी के अंदर सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एंडोक्रिनोलॉजी में क्या चीज़ें हैं, कैसे वो क्या कौन कौन से हार्मोन्स हैं, कौन से ग्लैंड्स हैं और उसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स के बाद हम बात करेंगे हार्मोन्स की, और हार्मोन्स के बाद हम बात करेंगे रिसेप्टर्स की। ग्लैंड्स क्या चीज़ें होती हैं? ग्लैंड्स वो कोई भी चीज़ जो आपके पास एक हार्मोन सिक्रीट करके दे। हार्मोन सिक्रीटिंग ऑर्गन या हार्मोन सिक्रीटिंग पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ग्लैंड। ग्लैंड्स आपके पास ग्लैंड्स की अपनी क्लासिफिकेशन है, जिस तरह हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। सो इसको हम क्लासिफिकेशन के अंदर लिख लेते हैं कि आपके पास क्लासिफिकेशन जो है, नंबर वन एंडोक्राइन। एंडोक्राइन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं और वो क्या क्या सिक्रीट करते हैं, कैसे कैसे वो आपके पास सिक्रीट होते हैं और वो अपने फंक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं। एंडोक्राइन के अलावा आपके पास जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, दैट इज एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड पैराक्राइन। एक और ग्लैंड्स हैं जिसको हम कहते हैं ऑटो। आई होप ये आप सबको दिख रहा है। सो देर आर बेसिकली फोर बिग टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्लैंड्स: एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, पैराक्राइन ग्लैंड्स एंड ऑटोक्राइन ग्लैंड्स। पहले हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। वो ग्लैंड्स जो आपके पास हार्मोन सिक्रीट करके देता है, बट दीज ग्लैंड्स हैज नो डक्ट्स, दीज आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। इसके हमारे पास डक्ट नहीं होते, सो डक्टलेस ग्लैंड्स, इस एंडोक्राइन को हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं, वो ग्लैंड जो आपके पास हार्मोन्स सिक्रीट करके देता है, बट दीज ग्लैंड्स हैव डक्ट्स, सो दे कंटेन डक्ट्स। इनकी चूंकि डक्ट्स होती हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं डक्ट सिस्टम। और ये हमारे पास पैराक्राइन वो ग्लैंड्स होते हैं जो आपके पास हार्मोन सिक्रीट करके देते हैं, हार्मोन सिक्रीट करके देते हैं। और ये हार्मोन्स आपके पास नियर वेसिनिटी के जितने भी हमारे पास सेल्स हैं, नियर वेसिनिटी के जितने भी सेल्स हैं उनके ऊपर आपके पास एक्शन करके देता है, सो दीज आर पैराक्राइन ग्लैंड्स। अब ऑटोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं, वो ग्लैंड्स जो आपके पास हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, बट ये हार्मोन जो है अपने सेल पे, इट एक्ट ऑन इट्स ओन सरफेस, एक्ट ऑन इट्स ओन सरफेस। सो ये आपके पास ऑटोक्राइन ग्लैंड है।
इनकी एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। हमारे पास जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडो सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड, हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड में जैसे थायराइड है, पैराथायराइड है एंड आपके पास पैंक्रियास है, पैंक्रियास का कुछ पोर्शन आपके पास एंडोक्राइन में है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपके पास कौन कौन से हैं? वो जैसे आपने स्वेट ग्लैंड्स, आप लोगों ने अगर स्किन की हिस्टोलॉजी पढ़ ली है तो उसके अंदर आपने स्वेट ग्लैंड्स की बात की, तो स्वेट ग्लैंड्स जो हैं ये आपके पास, दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सो बेसिकली स्पीकिंग आपके पास ग्लैंड्स जो होते हैं वो एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, पैराक्राइन एंड द लास्ट वन इज ऑटोक्राइन सेल्स, ऑटोक्राइन ग्लैंड्स। और ये आपके पास चार डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स हैं जो हमारे पास हार्मोन सिक्रीट करके देते हैं और हार्मोन्स जाके फिर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हार्मोन्स की। हार्मोन्स इज अ वर्ड विच इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है अरोज, किसी चीज को जगाना, किसी चीज को बेदार करना। तो हार्मोन इज एनी केमिकल सब्सटेंस जो कि बॉडी के अंदर डिफरेंट चीजों को अरोज कराता है, डिफरेंट चीजों को जगाता है, स्टिमुलेट करता है, तो उसको हमने हार्मोन्स का नाम दिया। हार्मोन्स की दो बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है, जिस तरह हमने ग्लैंड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी इस तरह हार्मोन्स की दो क्लासिफिकेशन है। नंबर वन पेप्टाइड हार्मोन्स एंड नंबर टू स्टेरॉइड्स हार्मोन्स। और एक वो क्लासिफिकेशन, एक वो क्लासिफिकेशन जो कि किसी इन दोनों के अंदर फॉल नहीं करती, ना पेप्टाइड के अंदर फॉल करती है ना स्टेरॉइड्स के अंदर फॉल करती है, उसको हमने नाम दिया मिसेलिनियस का। सो दिस हार्मोन्स विच इज अ नेम ग्रीक वर्ड, और ग्रीक वर्ड जो चीज़ों को अरोज करता है, बॉडी के अंदर चीज़ों को स्टिमुलेट कराता है, चीज़ों को इनिशिएट कराता है। सो दिस हार्मोन्स इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, पेप्टाइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन एंड मिसेलिनियस। अब बात करते हैं, थोड़ी सी आगे चलते हैं रिसेप्टर की। व्हाट आर रिसेप्टर्स? रिसेप्टर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। रिसेप्टर्स क्या है? दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट, आइदर दो जगहों पे प्रेजेंट हो सकता है, सेल सरफेस, विच आर प्रेजेंट आइदर ऑन द सेल सरफेस और दे आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। एंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म इसकी दो जगह हैं, सेल सरफेस से, सेल सरफेस के ऊपर या ये प्रेजेंट होगा या आपके पास इनसाइड द साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा। एंड दीज रिसेप्टर्स आर द बेसिक साइट जहाँ पे ये हार्मोन अटैच करेगा और अपने एक्शन को वो परफॉर्म कर सकता है, आगे की तरफ लेके जाएगा। सो वी हैव डिस्कस्ड ग्लैंड्स, वी हैव डिस्कस्ड हार्मोन्स, वी हैव डिस्कस्ड रिसेप्टर्स। There is another term which is used, ligand. एक और टर्म है जिसका नाम है ligand. Ligand क्या चीज है? Ligand is any binding जो हमारे पास binding कराता है, जो 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 जाके bind करता है। Ligand are classified into four different types. And number क्या क्या types हैं? Number one hormones. Number two neurotransmitters, number three drugs, and number four toxins. Body के अंदर ये चार different चीजें हैं जिसके अंदर hormones हैं, neurotransmitters हैं, drugs हैं और हमारे पास टॉक्सिन्स हैं। ये हमारे पास क्या करते हैं? ये बॉडी के अंदर सिक्रीट होते हैं या बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और ये जाके अटैच करते हैं विद द मॉलिक्यूल ऑफ रिसेप्टर, जाके रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ अटैच करते हैं। अब डिटरमाइन करना चाहिए कि रिसेप्टर कौन सी चीज किस रिसेप्टर के साथ जाके अटैच करेगी। सो जरूरी है कि जब भी ये चार चीजें स्पेशली हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर जब भी अटैच करे विद द रिसेप्टर,
जब भी हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के साथ अटैच करें, प्लस दिस ऑल थिंग प्लस रिसेप्टर, सो क्या होना चाहिए? देयर शुड बी एनी एक्टिविटी इन द बॉडी. जब तक ये बॉडी के अंदर एक्टिविटी होगी, सो इट मींस रिसेप्टर इज वर्किंग. अगर बॉडी के अंदर रिसेप्टर रिसेप्टर इस चीज के साथ अटैच करता है, हार्मोन के साथ अटैच करता है, न्यूरोट्रांसमीटर के साथ अटैच करता है, बट अगर एक्टिविटी नहीं कराता, अगर एक्टिविटी नहीं कराता, इट मींस कि दिस रिसेप्टर और दीज थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. हमेशा इन चीजों का एक्टिविटी कराना बहुत जरूरी है. ये सवाल बनता है कि रिसेप्टर जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये बने किस चीज से हैं? सो दीज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द प्रोटीन्स. ये आपके पास प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं, रिसेप्टर मॉलिक्यूल बनाते हैं. दूसरा सवाल ये बनता है कि क्या पूरा का पूरा रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ अटैच करेगा, जितना भी ये लिगेंड है पूरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच करेगा? सो नहीं, ये लिगेंड मॉलिक्यूल पूरे रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं करता. रिसेप्टर की एक खास जगह होती है, उस खास जगह के साथ जाके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, दिस सेल हैज अ रिसेप्टर, और रिसेप्टर में एक खास जगह होगी जहां पे ये लिगेंड आके अटैच करेगा, एंड दिस स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड लिगेंड बाइंडिंग साइट. स्पेसिफिक एरिया को हम क्या कहते हैं? लिगेंड बाइंडिंग साइट, जहां पे ये रिसेप्टर के साथ ये लिगेंड मॉलिक्यूल्स, जितने भी हार्मोन्स थे, जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर थे, ये सारी चीजें आके रिसेप्टर के साथ अटैच करती हैं. सो जब भी ये इसके साथ अटैच करेगा, तो हमारे पास ये एक्टिविटी को अरोज कराता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इन द बॉडी, सबसे पहला और सबसे पुराना और सबसे बिगर सिस्टम, जो कि हम ऑलरेडी आप लोग पूरा मॉड्यूल पढ़ चुके हैं उसके बारे में, दैट इज न्यूरो सिस्टम या नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम इज वेरी स्मार्ट सिस्टम, एंड एंडोक्राइन सिस्टम इज एज इक्वली स्मार्ट एज नर्वस सिस्टम. What are the differences between a nervous system and an endocrine system? So the basic difference, हम इन दोनों के बीच में difference बनाना चाहिए. So it is very quick. Nervous system is very quick. Endocrine system is slower as compared to the nervous system. Nervous system is of short time. Endocrine system, on the other hand, is for a longer period of time. नर्वस सिस्टम इज वेरी डिस्क्रीट. डिस्क्रीट का मतलब ये कि हमारे पास ये एक स्पेसिफिक जगह पे जाके एक्शन करेगा. फॉर एग्जांपल, अगर आप रोड के ऊपर जा रहे हैं, आपको गाड़ी दिख रही है कि गाड़ी आपकी तरफ अप्रोच कर रही है बहुत तेजी से, सो आप वहां रुक जाएंगे. इट इज वेरी प्रिसाइज, वेरी डिस्क्रीट. ऑन द अदर हैंड, एंडोक्राइन सिस्टम इज नॉट वेरी डिस्क्रीट और प्रिसाइज, इतनी ज्यादा प्रिसाइज या डिस्क्रीट नहीं है. So these are the basic differences between a nervous system and an endocrine system. For a human cell, which is made up of approximately 100 trillion cells, एक ह्यूमन सेल जो कि इतनी ज्यादा सेल से मिलके बना है, तो उसको सरवाइव करने के लिए एक सिस्टम का होना जरूरी नहीं था. उसको सरवाइव करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम्स का होना जरूरी था. इसलिए अल्लाह ने हमारे पास नर्वस सिस्टम बनाया और हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम बनाया.